आज का सबसे बड़ा सवाल, मोदी सरकार भारत के संविधान के लिए खतरा क्यों है? इस बात को समझने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 2024 लोकसभा इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और दीगर बीजेपी नेताओं के फिरका परस्ती और नफरती बयानों से भरा पड़ा है और भारत की डेमोक्रेसी को बीजेपी के नेताओं के जरिए लगातार संविधान पर हो रहे हमलों से खतरा है। 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती या नया संविधान बनाना, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक थी। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियाँ उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियाँ कुछ और है। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। और शायद यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में यह नारा लगा रहे हैं, अब की बार। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने अपने 10 सालों के राज में भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे वो किसानों के खिलाफ 3 काले कानूनों की मंजूरी हो या 140 अपोजिशन MPs को पार्लियामेंट से सस्पेंड करना हो या फिर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, और इसके अलावा लद्दाख और मणिपुर के लोगों की आवाज़ को पूरी तरह दबाना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए रिश्वतखोरी को लीगल बनाना और भारत की संपत्ति को अपने कुछ खास बिजनेसमैन दोस्तों के हाथों में देते हुए बीजेपी ने ऐसे कई बड़े कदम उठाए हैं जिससे भारत की डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। इस लोकसभा इलेक्शन में देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो संविधान की हिफाजत के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल कर फासिस्ट ताकतों को इख्तदार से दूर रखने में अपना योगदान दें। ये हिंदुस्तान की आत्मा है, नरेंद्र मोदी इसका गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का चुनाव हो गया है।